দ্বিতীয় দফা ভোটের আগেই নির্বাচনী প্রচারে রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার উত্তর মালদহ, শিলিগুড়ি ও মুর্শিদাবাদে নির্বাচনী প্রচার রাজনাথের। এদিন মুর্শিদাবাদেও সভা করবেন তিনি। সেখানে তৃণমূল প্রার্থী আবু তাহের খানের কাছে হেরেছিলেন বিজেপি প্রার্থী হুমায়ুন কবির। এবার সেই আসনে আবু তাহেরের বিরুদ্ধে গৌরীশঙ্কর ঘোষকে প্রার্থী করেছে গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে এই কেন্দ্রে সিপিএম এর প্রার্থী দলের রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম। ফলত হাই ভোল্টেজ এই কেন্দ্রকে পাখির চোখ করে নির্বাচনী প্রচারে নামেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রাজনাথ সিং কে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি সৌমেন মণ্ডল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর হাতে রাম সীতার মূর্তি তুলে দেন মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গৌরীশঙ্কর ঘোষ। রাজনাথ সিং মুর্শিদাবাদবাসীর উদ্দেশ্যে বাংলায় নমস্কার জানান। তিনি বলেন, বাংলার মাটি সংস্কৃতি পুনরুজ্জাগনের মাটি। এদিন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণও করেন। তিনি বলেন, মমতা দিদি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই পুরো পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতায় ভরে গেছে। এদিন তার মুখে সন্দেশখালির প্রসঙ্গ উঠে আসে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং জি, ভারত মাতা কি, ভারত। মমতা দিদি কে মুখ্যমন্ত্রী বনতে হি পুরে পশ্চিমী বঙ্গাল মে এক অরাজকতা কা মাহল হ্যায়। গুন্ডে বদমাশো কে হৌসলে বুলন্দ হ্যায় অর ইহাঁ পর জো শরীফ লোগ হ্যায়, আচ্ছে ইনসান হ্যায়, ও সহমে হুয়ে হ্যায়, ডরে হুয়ে হ্যায়। কিন আজকাল পুরে পশ্চিমী বঙ্গাল মে এক অরাজকতা কা মাহল হ্যায় और सारे देश में यह अपने अपराध के लिए जानी जाती है और साथ ही साथ सांप्रदायिकता के लिए पश्चिमी बंगाल जानी जाती है। और पश्चिमी बंगाल जैसी धरती पर संदेश खाली जैसी घटनाएं होती हैं और यहां के मुख्यमंत्री महिला के रहते हुए इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, इस बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा पश्चिम बंगाल में फहरा दीजिए। हम यह देखते हैं किसने मां का दूध पिया है जो संदेश खाली जैसी घटना करने की जरूरत कर सकता है। यहां पर ईडी और सीबीआई भी जांच के लिए आते हैं, उनके ऊपर भी ये गुंडे बदमाश जो हमले करते हैं। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज पश्चिम बंगाल में नहीं बची है और आप सभी जानते हैं किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था होनी चाहिए। केवल यहां पर गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और संदेश खाली की जो घटना हुई है मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा भारत की ही नहीं दुनिया में जिन लोगों ने इस संदेश खाली घटना के बारे में सुना है पूरी मानवता ही शर्मसार हुई है। और खादी के आड़ में इस बंगाल में लूट हो रही है। क्या हो गया है ममता दीदी आपको? यहां पर जो परीक्षाएं होती हैं एसएससी की, टीईटी की भर्तियों के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी घोटाला, लॉटरी घोटाला, जहां सुनिए वही पश्चिम बंगाल में घोटाला। कभी कभी लगता है कि आप तृणमूल कांग्रेस हैं, तृणमूल कांग्रेस हैं या कांग्रेस हैं, यह बात समझ में नहीं आती। और ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं आपके नाम में ही ममता है, आपके नाम में ही ममता है। ममता तो मां का स्वभाव होता है, फिर आपको जनता का दुख दर्द क्यों नहीं दिखाई देता है, क्यों नहीं जनता का दुख दर्द का एहसास होता है, मैं यह आपसे पूछना चाहता हूं।